148 PMA long course, most important academic MCQs, 26th April 2021 from all centers. First of all, Rudepak, Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم My name is محمد فیضان EduSmart द बेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म की तरफ से एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह PMA लॉन्ग कोर्स 148 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एकेडमिक MCQs देखेंगे 26 अप्रैल 2021 में फ्रॉम ऑल सेंटर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी जो भी वीडियो अपलोड हो वो आप तक पहुंच जाए। ओके, हमारा पहला क्वेश्चन है द नेशनल ट्री ऑफ पाकिस्तान इज, ये सारे वो क्वेश्चन है जो कि डिफरेंट सेंटर्स में रिपीट हो चुके हैं। द नेशनल ट्री ऑफ पाकिस्तान इज डियोडॉर। ओके, सुई इज फेमस फॉर, सुई इज फेमस फॉर नेचुरल गैस। सुई एक मकाम है, एक जगह है पाकिस्तान में, ठीक है, तो ये मशहूर है नेचुरल गैस की वजह से, यहाँ पे नेचुरल गैस वाफर मिकदार में पाई जाती है। ओके, कानकुम, खानकुम, सॉरी खानकुम पास कनेक्ट, खानकुम जो पास है वो कनेक्ट करता है किन इलाकों को, हमने ये बताना है, तो ये कनेक्ट करता है जी चित्राल और वेखान को, ठीक है, चित्राल और वेखान के इलाका का। ओके, द शानदूर पास कनेक्ट्स, ये पासिस वाले जो क्वेश्चन है ना ये ज्यादातर आपके टेस्ट में पूछे जाते हैं। 147 के मैंने जो पेपर्स अपलोड किए थे आप उधर जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पासिस वाले कितने क्वेश्चन आते हैं। सो आपको पासिस वाले जितने भी हैं, शानदूर पास है, टोची है, ठीक है, ऐसे सबको आपको बताना चाहिए कि कौन से इलाकों को ये मिलाते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो जो शानदूर पास है वो कनेक्ट करता है चित्राल को गिलगित के साथ। ओके, लेंथ ऑफ सिल्क रोरिट, जिसे हम कॉरकोरम रूट भी बोलते हैं, ठीक है, ये रूट है, रोरिट नहीं है, सॉरी ये मिसस्पेलिंग हो गई है। तो जो जो कराकरम रूट है उसकी लेंथ कितनी है, या जो सिल्क रूट है इसकी लेंथ कितनी है, तो इसकी लेंथ है जी 965 किलोमीटर, 965 किलोमीटर। ओके, नेहरू रिपोर्ट की डेट हमने बतानी है, नेहरू रिपोर्ट की जो डेट है वो है अगस्त 1928। और अगर बात की जाए कि कायदे आज़म ने जो निकात दिए थे अपने 14, वो कब दिए थे, तो वो 1929 में दिए थे। ओके, जिनीवा पैक्ट वाज साइंड ऑन, जिनीवा पैक्ट जो है वो साइंड हुआ था कब, 14th अप्रैल 1988 में। ये सारे क्वेश्चन आपको आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, आपको इनके आंसर्स आने चाहिए, ठीक है। ओके, द साइंटिफिक सोसाइटी एस्टेब्लिश्ड एट, जो साइंटिफिक सोसाइटी थी जब पहली दफा बनी थी ये गाजीपुर में बनी थी, देन ये शिफ्ट हो गई थी अलीगढ़ में, लेकिन जब एस्टेब्लिश हुई थी देन वो गाजीपुर में ही थी। ओके, सर सैयद अहमद खान ने ये जो है ना एस्टेब्लिश की थी। लाहौर रेजोल्यूशन वाज प्रेजेंटेड बाय, जो करारदाद लाहौर है वो किसने पेश की थी, तो वो पेश की थी ए के फजलुल हक, मौलवी ए के फजलुल हक ने। ओके, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज एस्टेब्लिश्ड इन, हेडक्वार्टर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो था वो कहां पे एस्टेब्लिश किया गया था, लखनऊ में। ओके, लखनऊ। कौमी तराना वाज रिटन बाय, कौमी तराना किसने लिखा था, हफीज जलंधरी ने, और कौमी तराना कंपोज किसने किया था, अहमद अली छागला ने। ये दोनों क्वेश्चन पिछले 147 में भी रिपीट हुए हैं।
The Redcliffe Line was published on 17 अगस्त 1947। ठीक है जी, जो Redcliffe Line है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान है ये, तो ये कब पब्लिश की गई थी? ये 17 अगस्त 1947 को पब्लिश की गई थी। ओके, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इंडिया एक्ट 1935 गवर्नमेंट के मुताबिक सिंध वार सेपरेटेड फ्रॉम, सिंध जो है वो अलहदा हुई किस से? बॉम्बे से। ओके, बॉम्बे। डैश इज द लार्जेस्ट रिवर इन पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा दरिया है वो कौन सा है? वो है इंडस रिवर, इंडस रिवर। ओके, डैश इज द क्रिएटर ऑफ एटम बम्ब ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान को एटमी ताकत जब बना था तब जुल्फकार अली भुट्टो शायद प्रेसिडेंट थे या पीएम थे, लेकिन बनाया किसने था, इस काविश किसने की थी? वो थे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। बाकी भी थी लेकिन जो सबसे मेजर आप नाम ले लें जर्नली जिसे हम बोलते हैं वो है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, खालिक है एटम बम्ब पाकिस्तान। ओके, Who acts as president in the absence of president? जब president जो होता है country का जो सदर होता है वो मौजूद ना हो तो उसकी absence में, उसकी गैर हाजिरी में कौन president के सारे काम देखता है, कौन projects वगैरह देखता है? वो होता है जी chairman of senate। senate का जो chairman होता है वो समझ लें कि president होता है जब president original वाला absent हो। okay। सर सैयद अहमद खान वाज बोर्न ऑन, सर सैयद अहमद खान कब पैदा हुए जी? तो ये 17 अक्टूबर 1817 में पैदा हुए थे जी सर सैयद अहमद खान। पाकिस्तान वॉन ओलंपिक गोल्ड मेडल इन हॉकी फॉर द फर्स्ट टाइम इन, पाकिस्तान ने अपना जो ओलंपिक गोल्ड मेडल है हॉकी में वो पहली बार जब जीता था, कब जीता था ये पूछ रहे हैं, तो वो जीता था जी 1964 में। ओके ओके जी, विच मिलिट्री एलियंस हैड पाकिस्तान एज इट्स मेंबर, कौन सी मिलिट्री एलियंस है जिसमें पाकिस्तान एज ए मेंबर है? तो वो है सीटो, SEATO। ओके, द सेकेंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के जो दूसरी बड़ी सिटी है वो कौन सी है? तो वो है लाहौर। ओके, लाहौर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दुरूद पाक, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। तो कैंडिडेट्स ये थी हमारी आज की वीडियो अबाउट 148 पीएम लॉ कोर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और नीचे हमारे देखें इंस्टाग्राम edusmart.prep, मेरे अकाउंट का नाम है इंस्टाग्राम पे edusmart.prep। सो अगर आपको कोई भी इशू हो तो आप मुझे वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इशू ये नहीं होना चाहिए सर मुझे नोट्स चाहिए, सर मुझे ये चाहिए वो चाहिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने नोट्स तैयार करूँ और तैयार हो रहे हैं, शायद 148 में तो तैयार ना हूँ, 149 तक तैयार हूँ। सो अभी मेरे पास नोट्स नहीं है, तैयार हो रहे हैं। ठीक है, तो नोट्स के लिए मुझे कोई भी व्हाट्सएप पे कांटेक्ट ना करें या इंस्टाग्राम पे। हाँ, अगर आपका कोई इशू है अबाउट कि आपको अप्लाई नहीं हो सकता, अप्लाई नहीं हो रहा, आपका कोई मेजर मसला है हाइट का, वेट का, कोई कैरिंग एंगल का मसला है, कोई भी मेजर इशू है तो आप मुझे वो पूछ सकते हैं, उसका इंशाल्लाह मैं इशू बताऊंगा, लेकिन ये नहीं बताऊंगा कि भाई मेरे पास नोट्स हैं या नहीं, मेरे पास नोट्स नहीं है। और अभी व्हाट्सएप का ग्रुप भी कोई नहीं बना, होप है, उम्मीद है इंशाल्लाह कि रमज़ान के बाद व्हाट्सएप का ग्रुप भी बन जाएगा 148 पीएम लॉ कोर्स का। और मेरी वेबसाइट का लिंक भी आपको नजर आ रहा है www.edusmartprep.com। ठीक है, इस पर आप जाके ना मुख्तलिफ प्रिपरेशन मटेरियल देख सकते हैं, मैंने इस पर मुख्तलिफ पोस्टें अपलोड कर दी हैं और अपलोड हो रही हैं। ओके, सो ये सारा था हमारे लिंक्स वगैरह। अगर आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको
डिफरेंट चीज़ें मिल जाएंगी, पिंट्रस्ट, लाइकडीएन, इंस्टाग्राम वेबसाइट का लिंक, मेरे जो 3-4 चैनल है मेरे अल्हम्दुलिल्लाह, अभी ऑनलाइन अर्निंग पे भी मैंने चैनल बना दिया है, तो उसे भी आपने मस्ट सब्सक्राइब कर लेना। ओके, तो ठीक है, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।